हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेकिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को रेडीमेड स्वेटर डिजाइन बताऊंगी, जिस डिजाइन को आप ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बिल्कुल रेडीमेड लुक में स्वेटर का डिजाइन बताने वाली हूं, जो आप सबको काफ़ी ही पसंद आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैं एक सिलाई पर 17 फंदे डाल दी हूँ और इस पर मैं ये डिजाइनिंग बनाना स्टार्टिंग करती हूँ। दोस्तों, ये डिजाइनिंग जो है सीधी साइड से स्टार्टिंग करना है। ये शुरू वाला फंदा है, आप चाहो तो इसे स्लिप कर लो, न तो सीधा उल्टा आप इसे कुछ भी बना सकते हो। यहाँ मैं सीधा बना ली हूँ। उसके बाद डिजाइनिंग जो है अब स्टार्टिंग हो रहा है। तो ये क्या करना है, दो फंदे को सीधा बनाना है और एक फंदे को स्लिप कर लेना है। फिर दो फंदे को सीधा बनाना है और एक फंदे को स्लिप कर लेना है। तो दोस्तों, ये फर्स्ट सिलाई सीधी साइड से ऐसे ही पूरी सिलाई बना करके कंप्लीट करना है। दो फंदे को सीधा बनाना है, एक फंदे को स्लिप कर लेना है। फिर दो फंदे को सीधा बनाना है, एक फंदे को स्लिप कर लेना है। और ये साइड में आ चुकी हूँ, तो ये साइड वाले फंदे को मैं सीधा बना लेती हूँ। उसके बाद देखिए सेकेंड रो में क्या करना है, आप उस साइड वाले फंदे को स्लिप कर लीजिए या सीधा उल्टा आप इसे कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए ये स्लिप वाला फंदा है, तो इसे स्लिप ही करना है और दो फंदे को उल्टा बनाना है। दोस्तों, ये उल्टी साइड से सेकेंड रो है और ये देखिए ये स्लिप वाला फंदा है, तो इसे मैं स्लिप कर ली हूँ और दो फंदे को उल्टा बनाना है। फिर ये स्लिप वाले फंदे को स्लिप करना है। दोस्तों, ऐसे ही पूरी सिलाई सेकेंड रो बना करके कंप्लीट करना है। स्लिप वाले फंदे को स्लिप करना है और दो फंदे को उल्टा बनाना है। और ये साइड वाला स्टिच है, इसे मैं उल्टा ही बना लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ थर्ड सिलाई में आ चुकी हूँ। तो थर्ड सिलाई में क्या करना है, साइड वाले फंदे को स्लिप कर लीजिए या सीधा उल्टा आप इसे कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद धागा को आगे करना है, दो फंदे को उल्टा बनाना है धागा। और ये जो स्लिप वाला फंदा है, तो इसे सीधा बना लेना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, धागा आगे, दो फंदे को उल्टा बनाना है धागा पीछे, एक फंदे को ये स्लिप वाले फंदे को सीधा बना लेना है। फिर धागा आगे, दो फंदे को उल्टा बनाना है धागा पीछे, और ये देखिए ये स्लिप वाला फंदा है, तो इसे सीधा बना लेना है। दोस्तों, ये थर्ड सिलाई है सीधी साइड से, ये मैं स्लिप वाले फंदे को सीधा बना लेती हूँ और दो फंदे को उल्टा बनाना है। तो ये देखिए पूरी सिलाई मैं यहाँ कंप्लीट कर चुकी हूँ। और ये साइड वाला स्टिच है, तो इसे भी मैं सीधा बना लेती हूँ। यहाँ देखिए मैं तीन सिलाई कंप्लीट करके चौथी सिलाई में आ चुकी हूँ। तो चौथी सिलाई में क्या करना है, पूरे फंदे को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये चौथी सिलाई उल्टी साइड से मैं टोटल फंदे को उल्टा बना करके कंप्लीट कर लेती हूँ। चार सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी है, अब पांचवी सिलाई में आ चुकी हूँ। तो पांचवी सिलाई में साइड वाले फंदे को मैं सीधा बना लेती हूँ। उसके बाद देखिए ये जो सीधा फंदा है, जिसे मैं शुरू सिलाई में स्लिप की थी, इसके साइड में अब ये फंदा को स्लिप करना है। शुरू से जो आप सभी को मैं चार सिलाई बना करके बताई हूँ, इसी चार सिलाइयों को फिर से बनाना है। इसमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। तो चेंज क्या करना है, जहाँ मैं ये फंदे को जो स्लिप की हूँ, दो फंदा सीधा और एक फंदे को जो मैं स्लिप की थी शुरू सिलाई में, अब इसके साइड में इस फंदे को स्लिप करना है, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। तो दोस्तों, ये पाँचवीं सिलाई है। एक फंदे को देखिए मैं स्लिप कर ली हूँ, ये स्लिप वाला फंदा था शुरू सिलाई में मैं स्लिप की थी, अब इस फंदे को स्लिप करना है और दो फंदे को सीधा बनाना है, एक और दो। फिर एक फंदे को स्लिप करना है और दो फंदे को सीधा बनाना है। तो दोस्तों, ये पांचवी सिलाई है और एक फंदे को स्लिप करना है। बस ऐसे ही बनाते हुए जाना है। ये सीधा वाला फंदा जो है, इसके बगल में इस फंदे को स्लिप करना है और दो फंदे को
सीधा बनाना है। तो बस ऐसे ही मैं पांचवी सिलाई यहाँ बना करके कंप्लीट कर ली हूँ और छठी सिलाई में आ चुकी हूँ। तो छठी सिलाई में क्या करना है, तो ये साइड वाला फंदा है तो आप इसे स्लिप कर लीजिए या सीधा उल्टा आप से कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद एक फंदे को उल्टा बनाना है और ये देखिए स्लिप वाला फंदा है, इसे स्लिप कर लेना है। फिर दो फंदे को उल्टा बनाना है और ये स्लिप वाला फंदा है तो स्लिप कर लेना है। दोस्तों ये छठी सिलाई है, तो बस इसी तरीके से पूरी सिलाई बना करके कंप्लीट कर लेना है। एक फंदे को ये स्लिप वाला फंदा है तो इसे स्लिप कर लेना है और बाकी दो फंदे को उल्टा बनाना है। तो ये छठी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं सातवीं सिलाई आप सभी को सीधी साइड से दिखाती हूँ। तो ये साइड वाले फंदे को मैं सीधा बना लेती हूँ। उसके बाद धागा को आगे करना है, एक फंदा उल्टा धागा पीछे और ये स्लिप वाला फंदा है ये देखिए, तो इसे सीधा बना लेना है। फिर धागा को आगे, दो फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये स्लिप वाला फंदा है तो इसे मैं सीधा बना लेती हूँ। धागा आगे और दो फंदा उल्टा। इसी तरीके से दोस्तों ये सिलाई बना करके कंप्लीट कर लेना है। ये सीधी साइड से सातवीं सिलाई मैं आप सभी को बना करके दिखा रही हूँ। ये स्लिप वाले फंदे को सीधा बनाना है और दो फंदे को उल्टा बनाना है। अब यहाँ मैं सात सिलाई कंप्लीट करके आठवीं सिलाई में आ चुकी हूँ उल्टी साइड से। दोस्तों ये डिजाइनिंग की लास्ट सिलाई है, ये आठ सिलाइयों का डिजाइन है। ये उल्टी साइड से आठवीं सिलाई में क्या करना है, पूरे फंदे को उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों ये आठवीं सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सीधी साइड से इस डिजाइनिंग की फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैं एक डिजाइन बना करके कंप्लीट कर चुकी हूँ और आठ सिलाइयाँ मैं बना करके आप सभी को दिखाई हूँ। दोस्तों इसी आठ सिलाइयों को आपको बार बार बनाते हुए जाना है और ये सुंदर खूबसूरत और रेडीमेड लुक में आपको ये डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों ये आठ सिलाइयों का डिजाइन है और आठ सिलाइयाँ मैं बना करके आप सभी को दिखाई हूँ। कितना प्यारा ये डिजाइन बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों यदि आप सभी को ये सुंदर खूबसूरत और रेडीमेड लुक में यदि डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि कोई नए हैं चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। टेस्ट और नए सूट का डिजाइन डालूँ वो वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और सबसे पहले आप देख सके और बना सके। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट डिजाइन और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।